अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि tally.arp9 में बनी हुई किसी कंपनी को टेली प्राइम में माइग्रेट यानी स्थानांतरित या ट्रांसफर कैसे करते हैं। इसके पहले हम tally.arp9 को टेली प्राइम में अपग्रेड करने के लिए 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें से पहली वीडियो में हमने टेली प्राइम डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में बताया और उसके बाद वाली 2 वीडियोस में क्रमशः न्यू लाइसेंस को एक्टिवेट करने और एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट करने के बारे में बताया है। इन 3 वीडियोस के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। किसी कंपनी को माइग्रेट करना तो बहुत सरल है, पर कभी कभी माइग्रेट करते समय किसी कारण से माइग्रेशन का काम पूरा नहीं हो पाता है और वो कंपनी tally.arp9 और टेली प्राइम दोनों में ही नहीं चल पाती है। इसलिए सुरक्षा के उद्देश्य से पहले हमें उस कंपनी का बैकअप ले लेना चाहिए। तो चलिए किसी कंपनी का बैकअप लेने और उसको माइग्रेट करने की प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमने टेली प्राइम ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी की स्क्रीन दिखाई दे रही है और इस स्क्रीन पर tally.arp9 में इस पाथ पर हमने जो कंपनियां बनाई हुई हैं उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं और उनके नाम के बाद माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। अब जिस भी कंपनी को माइग्रेट करना हो उससे पहले सिलेक्ट करना होगा। हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही देखिए माइग्रेट कंपनी डेटा नाम से एक विंडो आ गई है। हम जिस कंपनी को माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ उसका नाम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन और इसके आगे यस लिखा हुआ है। इस लाइन का अर्थ है माइग्रेशन के पहले कंपनी डेटा का बैकअप लें। यदि आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यस ही रहने दें और यदि बैकअप नहीं लेना चाहते हैं तो कॉन्फिगर ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन हाइलाइटेड है और इसके आगे यस लिखा हुआ है। आप नो के लिए एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही यस की जगह नो आ जाएगा। हम इसे यस ही रखना चाहते हैं, उसके लिए फिर से एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए इसके नीचे ही बैकअप का पाथ देने के लिए भी ऑप्शन आ रहा है। हम डाउन एरो की प्रेस करके बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर चलते हैं। अब एंटर प्रेस करें। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। पहले हम आपको सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाला ऑप्शन समझा देते हैं। उसके लिए इस पर जाकर एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही आपके कंप्यूटर के सभी ड्राइव्स और कुछ फोल्डर्स दिखाई पड़ेंगे। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डी ड्राइव सिलेक्ट कर रहे हैं। डी ड्राइव सिलेक्ट करते ही इस ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं वो सभी यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप इनमें से किसी फोल्डर में बैकअप लेना चाहते हैं तो उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। चलिए अब हम आपको स्पेसिफाई पाथ वाला ऑप्शन समझा देते हैं। इसके लिए स्पेसिफाई पाथ ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको वो पाथ टाइप करना होगा जहां पर आप इस कंपनी का बैकअप रखना चाहते हैं। हम F ड्राइव में एक नया फोल्डर बनाकर उसमें बैकअप लेना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ हमने टाइप किया F, फिर कॉलन लगाकर उसके बाद बैक स्लैश लगाकर फोल्डर का नाम दिया बैकअप बिफोर माइग्रेशन और एंटर प्रेस किया। ऐसा करते ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नाम का कोई फोल्डर नहीं है, क्या आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं? हम यस के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए लिस्ट ऑफ फोल्डर्स में हमने जो अभी नया फोल्डर बनाया वो दिखाई पड़ रहा है। अब हम फिर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमने बैकअप के लिए यस किया हुआ है और उसके नीचे हमने जो पाथ दिया है वो भी आ रहा है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही हम वापस माइग्रेट कंपनी डेटा स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हमने जो नया पाथ दिया था वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। माइग्रेशन के लिए या तो यहाँ माइग्रेट पर क्लिक करेंगे या फिर आर की को प्रेस करेंगे।
ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में इस कंपनी का बैकअप और माइग्रेशन हो गया है। अब आप इस कंपनी में जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं।